मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इस हिस्ट्री ऑफ क्लास टू। इन माई प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स, मैं दिस पैराग्राफ तक आप लोगों को रीड करके समझा चुकी हूँ। टूडे आई रीड नेक्स्ट पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन इट। ओके, सो लिसन केयरफुली। इन वेरी कोल्ड रीजन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो, people make houses of ice. In very cold region, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, बर्फ गिरता है, बर्फबारी होती है, lot of snow, बहुत ज़्यादा बर्फ होते हैं, people make house of ice. तो ऐसे लोग, people जो होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ice से क्या करते हैं, घर बनाते हैं। They are called igloos. वो क्या कहलाते हैं, इग्लूज कहलाते हैं। इन द माउंटेन्स पीपुल बिल्ड देयर हाउसेस विद अ रूफ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इन द माउंटेन्स पीपुल, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या पहाड़ों पे रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे घर बनाते हैं, तो उनका जो घर होता है, उनके घर का जो छत होता है, रूफ मीन्स होता है छत, उनका जो छत होता है वो क्या होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ जो उनका जो छत होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ रहता है। सो दैट द स्नो स्लाइड ऑफ द रूफ एंड द हाउस डज नॉट क्लैप्स अंडर इट्स वेट। जिससे क्या होता है, वो जो स्नो जो होता है, अगर उस छत पे गिरता है तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ क्या हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, और उससे जो है क्या होता है, ये जो छत होता है या उनका घर जो होता है, जो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, तो वो स्नो की वजह से जो है, स्नो बर्फ की वजह से वो क्या होता है, क्लैप्स नहीं होता है, मतलब क्लैप्स मीन्स होता है ढहता नहीं, मतलब टूटता नहीं, गिरता नहीं है उसके वेट से, स्नो के वेट से। ओके, नेक्स्ट है, मदर बता रही है सचिन से, मदर देन तब देयर आर टेंट्स विच आर हाउस फॉर पीपुल हु लिव आउटडोर्स। Then, तब there are tents which are houses for people who live outdoors. जो घर से बाहर जो लोग रहते हैं, जो रहते हैं people, वो किस में रहते हैं, tents में रहते हैं। These tents are made from thick cloth and waterproof materials to protect people from the rain, sun and cold. Tent जो है कैसे कपड़ों से बनता है, तो टेंट का जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, बहुत ठीक होता है, मतलब मोटा होता है, और उसके जो मटेरियल होता है, मतलब जो सामान से वो बनता है, वो वाटरप्रूफ होता है, और जिससे क्या होता है, अगर टेंट में अगर वो वाटरप्रूफ रहता है तो उससे क्या होता है, लोग प्रोटेक्ट, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है टेंट, तो वो रेन, सन और कोल्ड से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब बारिश से, सूरज की रोशनी से, और कोल्ड से, मतलब ठंड से क्या करता है, वो उसे लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट डे मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, और अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग दे रही हूँ, जिसे आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक में नोट करके लर्न करना है। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर का लास्ट वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।